लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंजियोस्पर्म पढ़ा था पूरा, और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल डिस्कस की थी, साथ में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, इसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी कि डबल फर्टिलाइजेशन में एक दो तरह का फ्यूजन देखने को मिलता है, एक तो ट्रिपल फ्यूजन और दूसरा सिनगैमी, है ना। यही दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं यहाँ पर, इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि भाई एक और बात है कि यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज डेवलपिंग इनटू सीड एंड ओवरी आउटसाइड द ओव्यूल इज डेवलपिंग इनटू फ्रूट, ठीक है। ओवरी किस में डेवलप हो रहा है, फ्रूट में डेवलप हो रहा है, ठीक है। ओवरी डेवलप हो रहा है फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप हो रहा है सीड में। ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानी हम लोगों ने देख ली थी। क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं हर टॉपिक का हम लोग, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो फर्स्ट टॉपिक एंजियोस्पर्म, फूड तो बनाते ही होंगे ये, तो मेजर सोर्स क्या कह सकते हो, यहीं से एंजियोस्पर्म से ही क्या मिल रहा है, आर गिविंग अस फूड, ठीक है। क्या देते होंगे, फूड देते होंगे, फाइबर मिलता होगा, ठीक, फाइबर मिलता है, और कई मसाले, मसाले जितने भी आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स से, और जितने भी पेय पदार्थ है, पाम सैप सुना होगा, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रहे हैं, ये सब एंजियोस्पर्म से आ रहा है, ठीक है। बेवरेजेस, क्या चीज़, बेवरेजेस। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज, कई तरह की मेडिसिन्स जो हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, मेडिसिन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। और दूसरा, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारी बातें लिख सकते हो ये अपने आप से, बचपन में आप वो लिखते थे एसे ऑन ट्रीज, एसे ऑन नेचर, याद है। तो बचपन में आप लोग एसे ऑन ट्रीज या सेव अवर ट्रीज पर कोई ऐसे लिखते होगे, वही सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप यहाँ चिपका सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है CBSE एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है तो ये पेड़ ही, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है क्या, कि क्या इनके, क्या जो पेड़ होते हैं उन्हीं के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है आपको, ठीक है। तो आसान है, दक्ष समझ आ गया, गौरवी, ईशा, गुनगुन, लिवांशी, ओके, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, और वो क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। टॉपिक इज ऑल्टरनेशन, नोट कर रहे हो आप लोग साथ के साथ, बाकी ठीक है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या कहता है, तीन तरह की प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म की इस बारे में बात करता है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो बर्थ से डेथ तक हुई है ना, कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट। लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, द फेज और टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, तो उसके बीच का जो भी फेज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं लाइफ स्पैन। प्लांट में हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड, दोनों ही तरह के सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं बाय माइटोसिस, ठीक है। दोनों ही तरह के सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं, बाय माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन तो करते ही हैं। हैप्लॉइड सेल भी माइटोटिक डिवीजन करते हुए मिल जाएंगे आपको, और डिप्लॉइड सेल भी माइटोटिक डिवीजन करते ही हैं वो तो, ठीक है। और इसकी वजह से दो तरह की बॉडीज बनती हैं, एक तो हैप्लॉइड बॉडी बनती है और एक डिप्लॉइड बॉडी बनती है, ठीक है। इसी की वजह से, इसी फीचर की वजह से, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स भी हैं और डिप्लॉइड सेल्स भी हैं जो माइटोसिस कर सकते हैं, इसी वजह से दो तरह की प्लांट, अलग अलग दो तरह की प्लांट बॉडीज बनती हैं। इन प्लांट बॉडीज़ को हम बोलते हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो प्रोड्यूस करता है गैमीट बाय माइटोसिस, ठीक है, ये याद रखना। क्या बताया अभी तक मैंने, सुनो, ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, इसमें मैंने बताया आपको कि लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, तो लाइफ साइकिल इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ
इसे ही आप लाइफ साइकिल बोल देते हो या लाइफ स्पैन बोल देते हो, ठीक है, यही है लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन। अब प्लांट्स के केस में, इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स के केस में आपको क्या मिलेगा, प्लांट्स के केस में आप देखोगे कि दो तरह के सेल्स होंगे, दो तरह के सेल्स होंगे। पहला तो हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड, और दोनों ही क्या कर सकते हैं, दोनों ही क्या कर सकते हैं, काइंड ऑफ डिवीजन विच इज नोन एज माइटोसिस, दोनों ही कर रहे हैं, माइटोसिस तो दोनों ही कर रहे हैं। और यही रीजन है कि दो तरह के प्लांट्स में, प्लांट्स में आपको दो तरह की प्लांट बॉडीज मिल जाएंगी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, राइट, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है ये भी गैमेट प्रोडक्शन करेगा, और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी गैमेट प्रोडक्शन करेगा। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो गैमेट का प्रोडक्शन करेगा, कैसे, बाय माइटोसिस, ठीक है, बाय माइटोसिस, ठीक है। और जो प्लांट बॉडी बनेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना ये बात, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगा वो गैमीट प्रोडक्शन करेगा, किसके लिए, गैमीट प्रोडक्शन के लिए, जो गैमीट प्रोडक्शन करेगा, ध्यान से सुनना, हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज गैमीट प्रोडक्शन के लिए कौन सा डिवीजन करेंगे, तो ये माइटोसिस करेंगे, ठीक है, माइटोसिस करेंगे। और ये माइटोसिस करेंगे और एज रिजल्ट जो प्लांट बॉडी बनेगा, ये जो प्लांट बॉडी है, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो दिख रहा है आपको, विच इज प्रोड्यूसिंग गैमीट, इसको आप क्या बोलोगे, गैमिटोफाइट, इसको क्या बोलेंगे, गैमिटोफाइट बोलेंगे। क्यों, गैमिटोफाइट ही तो क्या बनाता है, याद आ रहा है, गैमिटोफाइट ही क्या बनाता है, अरे साई, गैमीट बनाता है। तो इसी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम क्या बोल देंगे, गैमिटोफाइट, ठीक, जो माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा, माइटोसिस करके गैमीट्स बनाएगा। सिंपल साइकिल का एक एक पार्ट तो हम ये शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही हमने पढ़ा था, गैमिटोफाइट माइटोसिस करता है और गैमीट बनाता है, कुछ अलग लिखा क्या मैंने, बोलो। जब गैमीट फ्यूज करेंगे, राइट, जब गैमीट फ्यूज करेंगे तो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या देखने को मिलेगा, जाइगॉट भी डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस, गैमीट है, वही साइकिल ही लिख रहा हूं मैं। तो आप देखोगे गैमीट बना है, तो ये गैमीट दूसरे, मान लो ये है फीमेल गैमीट और दूसरा गैमीट भी तो बना होगा, तो साइकिल ही रिपीट कर रहा हूं मैं, दूसरा गैमीट भी बना होगा जिसको आप क्या बोलोगे, मेल गैमीट। और ये दोनों जब फ्यूज करेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, ये दोनों जब फ्यूज करेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन, राइट, फर्टिलाइजेशन बोलोगे। एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, वेरी गुड, जाइगॉट बनेगा, और यही जाइगॉट हम देखते हैं, यही जाइगॉट आगे फिर एक डिवीजन करता है जिसको आप बोलते हो माइटोसिस, यही आगे के कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, और माइटोसिस करने के बाद फिर से क्या बना देगा, एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा, एक डिप्लॉइड। अब जो प्लांट बॉडी बना है वो कैसा बना है, अब जो पार्ट बना है, क्योंकि जाइगॉट से तो कहानी शुरू हो जाती है, कैसी, डिप्लॉइड होगी ना, यहाँ गैमीट क्या है, हैप्लॉइड है, ये यहाँ गैमीट क्या है, हैप्लॉइड है, तो दो हैप्लॉइड सेल जुड़कर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं और जाइगॉट बना रहे हैं, और वो जाइगॉट माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना रहे हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट होगा ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट, वेरी गुड, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड। तो ये जो बॉडी है इसे आप हैप्लॉइड प्लांट बॉडी तो नहीं बोल सकते, यहाँ जो प्लांट बॉडी बना है इसे आप बोलोगे डिप्लॉइड। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आने लगी कि यहाँ पर गैमिटोफाइट, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर गैमिटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में आता है कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में आता है, तो क्या बोलोगे, गैमिटोफाइट
हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में कंसीडर करोगे या डिप्लॉइड में? हैप्लॉइड में है ना। गैमेटोफाइट में क्या दिख रहा है आपको, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है गैमेटोफाइट? हैप्लॉइड है, राइट। तो ये हैप्लॉइड है। वहीं अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूं तो वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है। समझ आया? अब यहीं से फिर कहानी शुरू होती है। चली कहानी, यहां से क्या कहानी शुरू होती है देखो। तो यहां से कहानी शुरू होती है कि ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, मियोसिस करेगा, और यही मियोसिस होने के बाद, ध्यान से सुनना, यही मियोसिस होने के बाद क्या होगा, क्या बनेगा? वेरी गुड। स्पोर्स जो बनेंगे उन्हें आप क्या बोलोगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बोलोगे। साइकिल ही तो रिपीट कर रहा हूं मैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बोलते हैं। यही हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं अब, इसको रोको, यही हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं अब, बोलो भाई, यही हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? यही हैप्लॉइड स्पोर्स एक डिवीजन करेंगे, ठीक है। यही हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे अगेन, यही हैप्लॉइड स्पोर्स अगेन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यही आगे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाने लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब वो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना रहा है अगेन, तो ये कौन सा डिवीजन कर रहा होगा? वेरी गुड, माइटोसिस करेगा, ठीक है। अभी हमने डिप्लॉइड, इसको छोड़ देना, ठीक है। अभी हमने डिप्लॉइड प्लांट बॉडी डिस्कस ही नहीं किया है, ये अलग ही सिनेरियो में जाता है, ठीक है। ये अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की, ठीक है। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी इधर देखा आपने। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में तो यहाँ से कहानी शुरू होगी, स्पोरोफाइट से, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। अब आपको यहाँ पे समझ आने लगा है कहाँ कहाँ माइटोसिस होगा, कहाँ कहाँ माइटोसिस होगा, कहाँ कहाँ मियोसिस होगा। तो मियोसिस एक ही जगह पर देखने को मिल रहा है, जब 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 डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, राइट। बाकी जगह तो सब माइटोसिस ही है, बाकी जगह तो सब माइटोसिस ही है। इस लाइफ साइकिल में अगर आप ध्यान दो तो ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर शो करता है बिटवीन गैमिट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमिटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो क्या आपको एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा है यहाँ पर? एक पूरा जनरेशन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, एक पूरा फेज चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर गैमिटोफाइट है वो माइटोसिस करके गैमिट बना रहा है, ठीक है, गैमिट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमिटोफाइट। और वहीं अगर मैं देखूं तो स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। एक पूरा जनरेशन चेंज होते हुए नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है आपको पूरा सिनेरियो ही अलग है। तो इसी बेसिस पर हमने प्लांट्स को ग्रुप कर दिया है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये एक साइकिल है, ठीक है, ये एक साइकिल है। आगे देखो तो सबसे पहले जो लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्लांट लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे चलती है, देन वी विल डिस्कस कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हैप्लॉन्टिक, लाइफ साइकिल कैसे चलती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट हैप्लॉन्टिक, जब मैं बोल रहा हूं हैप्लॉन्टिक
है ना। तो यहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होना चाहिए, वेरी गुड। सारे बोलो बोलो भाई, मेन प्लांट बॉडी क्या होना चाहिए? हैप्लॉइड होना चाहिए, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, ये नीट में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक पे, ध्यान रखना। तो हैप्लॉन्टिक की जब हम बात करते हैं तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज कौन सा है? तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज गैमेटोफाइट, ठीक। क्या होगा? गैमेटोफाइट होगा। अब कोई मुझे बता सकता है कि गैमेटोफाइट क्यों होगा और स्पोरोफाइट क्यों नहीं होगा, ये साइकिल समझने के बाद? वेरी गुड। गैमेटोफाइट मेन क्यों है, यही तो पूछा है मैंने। गैमेटोफाइट मेन इसलिए है, डोमिनेंट इसलिए है, फोटोसिंथेटिक फेज ही इसलिए है क्योंकि गैमेटोफाइट क्या है यहाँ पर? हैप्लॉइड है। वेरी गुड। गैमेटोफाइट यहाँ हैप्लॉइड है और हम बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, हम बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो चीज़ डोमिनेंट होगी वो होगी हैप्लॉइड। और यहाँ पर आपने साइकिल में अभी अभी समझा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अभी अभी समझा, यहाँ ये वाली जो साइकिल देखी इसमें देखा हैप्लॉइड क्या है, तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। अगर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है तो यही क्या कर रहा है, यही आगे जाके क्या करेगा, यही गैमेटोफाइट आगे जाके क्या करेगा भाई, क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। और कौन सी डिवीजन से प्रोड्यूस करेगा अगेन, कौन सी डिवीजन? वेरी गुड। कौन सी डिवीजन से प्रोड्यूस करेगा? माइटोसिस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि माइटोसिस है? क्योंकि यहाँ पर भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पोर्स नज़र आते हैं और यहाँ हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स नज़र आते हैं और यहाँ भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। यही गैमेट फ्यूज करेंगे, अगेन वही कहानी, यही गैमेट अगेन फ्यूज करेगा और यही गैमेट फ्यूज करेंगे और यही गैमेट फ्यूज करने के बाद क्या क्या बना देंगे, जाइगॉट बना देगा, ठीक है। जाइगॉट बन जाएगा, ठीक है। और जाइगॉट कैसा होगा? तो जाइगॉट डिप्लॉइड होगा, ठीक है। और यही जाइगॉट आगे जाके फर्दर किस क्या डेवलप कर जाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। गुड। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? डिप्लॉइड होगा। साइकिल रटने की जरूरत है क्या, बताओ, बच्चे रटते हैं इसको, क्या इसको रटने की जरूरत है? आ रहा है समझ में? गौरवी, ईशा, सुष्मिता, वैष्णवी, आ रहा है समझ में? तो रटने की जरूरत नहीं है। स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, ठीक है। और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और ये क्या करेगा, कौन सी डिवीजन करेगा, जल्दी बोलो। वेरी गुड। कौन सी डिवीजन करेगा ये? तो ये अगेन मियोटिक डिवीजन करेगा, अगेन ये मियोटिक डिवीजन करेगा और स्पोर्स बनाएगा, मियोटिक डिवीजन करेगा और स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। मियोटिक डिवीजन करेगा और स्पोर्स बनाएगा, ठीक। और यही स्पोर्स हमने देखा था आगे क्या डेवलप कर जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर डेवलप्स इनटू व्हाट, गैमेटोफाइट। यहाँ जो डिवीजन हुआ है ये जरूर मेंशन करना, यहाँ डिवीजन हुआ है मियोटिक डिवीजन, मियोसिस हुआ है यहाँ पर, मियोसिस हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ठीक, मियोसिस हुआ है। तो ये आपकी साइकिल हो गई है तैयार, किसकी, ये साइकिल तैयार हो गई है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ भी अलग देखा आपने यहाँ पे, कुछ अलग देखा क्या? लेकिन अगर एक चीज नोटिस करो आप यहाँ, एक चीज अगर नोटिस करो तो जो सेल है या जो पूरी लाइफ साइकिल है वो ज्यादा किसके इर्द गिर्द घूमती है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है यहाँ पर, किसके इर्द गिर्द सारी साइकिल घूम रही है, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या है,
डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड भी तो है बच्चे, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड राइट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। अब देखना कितना तगड़ा शिफ्ट नजर में आएगा आपको। तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या आएगा, यही क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि यहाँ मेन प्लांट बॉडी क्या है, क्या लिखोगे, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट राइट, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, फाइन ठीक, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड दिस मेन प्लांट बॉडी विच इज गैमेटोफाइट इट इज ऑल्सो डोमिनेंट ऑब्वियसली एंड फोटोसिंथेटिक फेज, फोटोसिंथेटिक फेज ठीक। और इस तरह की जो लाइफ साइकिल होगी उसको हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक। ये दिखती किसमें है, तो एग्जाम्पल पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एग्जाम्पल बताओ, तो ये दिखेगा वॉल्वॉक्स में, ये कहाँ देखने को मिलेगा, वॉल्वॉक्स में, स्पायरोगायरा में, ये दिखेगा वॉल्वॉक्स में, स्पायरोगायरा में और क्लेमाई डो मोनास में, कहाँ देखने को मिल, एल्गी लिख दो, एल्गी के एग्जाम्पल ही तो हैं ये सब क्या है, ये सब एल्गीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो एल्गी लिख दो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। तो एल्गी तो पूरा आपका फाइलम हो गया ना, एल्गी तो क्या हो गया, फाइलम हो गया, है ना। तो फर्स्ट फाइलम जो आप पढ़ते हो यानी कि एल्गी जो पढ़ते हैं, सबसे पहला फाइलम यानी कि जिसमें वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो उनमें यानी कि एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, अब याद हो जाना चाहिए, बताओ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, गुड ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, याद रखना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ आ गया अपने को। अब देखते हैं आगे, जाइगॉट ऐसा कोई स्टेज नहीं है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, ऐसा कोई क्या बोलते हैं कंफर्म आप नहीं बोल सकते कि जाइगॉट बनेगा ही नहीं, कुछ इसी को आप ये भी बोल सकते हो यही जाइगॉट है, या फिर इसी को बोल सकते हो यही जाइगॉट है, लेकिन स्पोरोफाइट तो बोलोगे ही ना, स्पोरोफाइट तो बोलोगे ही, हाँ स्पोरोफाइट तो होगा ही होगा, ठीक है ओके। तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट है। अब देखते हैं डिप्लॉन्टिक में क्या सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पूरा कंप्लीट बता रहे हैं जैसा कि, तो क्या चेंज हो जाएगा ये देखते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ऑब्वियसली कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, और वो स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, याद आ रहा है, स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। तो यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी होगा या जिसे आप क्या बोलोगे फेज, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक फेज, ठीक है, वो क्या होगा, डिप्लॉइड डोमिनेंट फेज क्या होगा, यहाँ पर बोलो जल्दी, डोमिनेंट फेज क्या होगा, स्पोरोफाइट। एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है क्या, गौरवी, दक्ष, ईशा, सुष्मिता, समझ नहीं आ रहा है, आंसर करो बेटा, ठीक है, डोमिनेंट फेज। तो यहां पर डोमिनेंट फेज किसका है, डोमिनेंट फेज है यहां पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का यहां पर डोमिनेंट फेज देखने को मिला। डोमिनेंट फेज देखने को मिलता है मतलब क्या, कि यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है, वो जो मेन प्लांट बॉडी आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, वेरी गुड, स्पोरोफाइट है, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल पर थोड़ा गौर करना, ठीक है, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, बहुत कम गैमेटोफाइटिक फेज देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा प्लांट ही तो पूरी जिंदगी वो प्लांट क्या रह रहा है, स्पोरोफाइट मोड में रह रहा है, और बहुत ही कम फेज उसका गैमेटोफाइट में है, ठीक है। अब बहुत कम फेज उसका गैमेटोफाइट में है मतलब बहुत कम फेज उसका हैप्लॉइड में है, ज्यादातर उसकी लाइफ किस में गुजरी है, किस फेज में गुजरी है, डिप्लॉइड में गुजरी है। अब क्योंकि ज्यादातर उसका फेज, ज्यादातर उसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसे गुजरी है, डिप्लॉन्टिक में गुजरी है,
इसीलिए आप क्या डिप्लॉइड में गुजरी है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को आप क्या बोल देते हो, डिप्लॉन्टिक बोल देते हो। समझ आया? तो बस कहाँ, साइकिल तो सेम ही है, साइकिल तो सेम ही बनाओगे आप यहाँ भी, क्यों, क्या साइकिल कुछ अलग बनेगी क्या? नहीं, साइकिल तो सेम ही बनेगी भाई, लेकिन साइकिल सेम जरूर बनाओगे आप कॉपी और पेस्ट, क्योंकि होगा वही, होगा तो यही कि जो डिप्लॉयड, लेकिन बस एक शिफ्ट जरूर देखना जो मैं बना रहा हूं यहां, एक शिफ्ट जरूर होगा किस चीज में, मेन प्लांट बॉडी जो फोकस है वो किधर चला गया, ये देखो, समझ आया? और गैमेटोफाइट का फेज जो है वो बहुत कम रह गया, यही होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। तो ये किस में होता है, तो ये दोनों एक्सट्रीम चीजें हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, इसको ऐसे याद रटने की जरूरत नहीं है, दो एक्सट्रीम चीजें हैं। दो एक्सट्रीम चीजें हैं का क्या मतलब है कि भाई अगर मैं देखूं, देखो एक मैं क्या बनाता हूं, एक ये सिनेरियो बनाया, तो इस एक्सट्रीम में कौन कौन से फाइलम हमने पढ़े जल्दी बताओ, सीरीज वाइज किसको याद है कौन कौन से फाइलम्स होते हैं प्लांट किंगडम में, एंजियोस्पर्म। तो इधर वेरी गुड, इस तरफ जो एक एक्सट्रीम में आता है वो कौन सा आता है, एल्गी आता है, और एल्गी में हमने पढ़ी लिया कि क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दूसरे एक्सट्रीम में, दूसरे एक्सट्रीम में क्या होंगे, दूसरे एक्सट्रीम में इधर क्या लिखना चाहिए, एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म होगा। और मैंने बताया था आपको ये एक कहानी है किसकी, इवोल्यूशन की। अगर ये कहानी है इवोल्यूशन की तो चीजें एकदम से तो नहीं बदली होंगी, मॉडरेटली बदली होंगी, ठीक है, एकदम से तो नहीं बदली होंगी। तो इधर आएगा जिम्नोस्पर्म, इधर आएगा ब्रायोफाइट्स, इधर आएगा फॉर एग्जाम्पल टेरिडो फाइट्स, टेरिडो फाइट्स, ठीक है, तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव, इसमें हमने पढ़ लिया भाई, एल्गी में हमने पढ़ा कौन सी लाइफ साइकिल चलेगी, हैप्लॉन्टिक चलेगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगी। इसका मतलब जो अदर दो एक्सट्रीम्स होंगे, यानी कि अदर दो एक्सट्रीम्स कौन से हैं, दूसरे एक्सट्रीम्स हो गए हैं ये वाले, ये है, ये जो एक्सट्रीम है, ये जो दूसरा ही कोना है ना, एक तो नॉर्थ पोल एक दूसरा साउथ पोल, तो दूसरा ही जो ये कोना है, यहां क्या चलेगा, तो इस वाले घर में चलेगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये घर है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, ठीक है, ये हो गया पूरा हैप्लॉन्टिक, ये हो गया पूरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का घर, ठीक है, और बीच में जो रह गया, ठीक है, बीच में जो रह गया उसको आप क्या बोलोगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्या बोल देंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर अगर मुझे एग्जांपल लिखना हो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एग्जांपल लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। कौन सी टेबल, मैंने यही बताया कि एल्गीज जो है वो कौन सी लाइफ साइकिल चलाएंगे, हैप्लॉन्टिक चलाएंगे, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या चलेगा, डिप्लॉन्टिक चलेगा, एक्सट्रीम हो गया बिल्कुल, क्यों, यहां पर अब यहां पर देखो तो यहां पर पूरा एक्वेटिक है, यहां पर पूरा अगर देखो एक्वेटिक है, और इधर से इधर शिफ्ट जा रहा है, तो इधर ये पूरे क्या हो गए होंगे,
याद करो, टेरेस्ट्रियल हो रहे होंगे, तो यानी कि ये चल क्या रहा है, एक तरह से ये चल रहा है इवोल्यूशन, जहां पर लाइफ साइकिल मूव ले रही है, लाइफ साइकिल मूव ले रही है हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक, और टेरेस्ट हैबिटेट, हैबिटेट मूव ले रहा है फ्रॉम, हैबिटेट मूव ले रहा है फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल। समझ आया? इसे ही आप क्या बोल रहे हो, इवोल्यूशन। यही तो है इवोल्यूशन, स्लो बट ग्रेजुअल चेंज। तो अब हम समझते हैं यहां पर, अब हम समझते हैं कि हैप्लो डिप्लॉन्टिक का क्या चक्कर है। ठीक है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक किस तरह से होगा? दक्ष, समझ में आया क्या? Yes, sir. अब समझते हैं, नोट करो थोड़ा सा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक फेज, हैप्लो डिप्लॉन्टिक फेज। हैप्लो डिप्लॉन्टिक फेज में क्या होगा, दो मल्टी सेलुलर डिस्टिंक्ट फेज देखने को मिलेंगे, जहां पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा। ऑब्वियसली स्पोरोफाइट कभी हैप्लॉइड हो सकता है क्या? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा, और ऑब्वियसली हैप्लॉइड गैमेटोफाइट दोनों ही प्रेजेंट होंगे, और दोनों मल्टी सेलुलर फेज में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर फेज में प्रेजेंट होंगे, हाउ एवर डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या देखोगे कि एक डिप्लॉइड, सॉरी डोमिनेंट, ध्यान देना डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, किसी भी नाम से वो पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है डोमिनेंट फेज क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट कौन है यहाँ पर, फोटोसिंथेटिक कौन है यहाँ पर, थैलॉइड किसके पास है, या ऐसे भी बोल सकता है, कई क्वेश्चन में पूछा है उसने कि इरेक्ट फेज किसका है यहाँ पर। तो इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना ये बात किसकी कर रहा है। अब एक बात बताओ, सुनो, डोमिनेंट फेज एल्गी में किसका होता है? गैमेटोफाइट जनरली देखने को मिलता है, तो एक्सट्रीम ऐसा जल्दी से शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा कि मतलब ब्रायोफाइट में किसका होना चाहिए फिर? ऑब्वियसली गैमेटोफाइट, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा ना, एक्सट्रीमली अचानक से नहीं देखोगे, क्योंकि इवोल्यूशन इज स्लो चेंज। मैं हमेशा कहता हूँ ना, इवोल्यूशन क्या है, एक स्लो चेंज है। तो अचानक से नहीं देखोगे कि यहाँ तो गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, और यहाँ पर अचानक से ब्रायोफाइट में गए तो आपको मिला कि क्या है, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में भी क्या होगा, ब्रायोफाइट में भी क्या ही देखोगे आप कि कौन मेन प्लांट बॉडी है? ब्रायोफाइट में आपको वही क्या बोलते हैं इसको, गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, ये सब किसके लिए संबोधित किया जाएगा, इतने सारे नाम, दीज ऑल वर्ड्स आर फॉर गैमेटोफाइट, दीज ऑल आर फॉर गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? गुड, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, हैप्लॉइड होगा। और एक बात सुनना, फिर वही सेम साइकिल चलेगी कि ये गैमीट बनाएगा, ये गैमीट बनाएगा, और गैमीट फ्यूज करेंगे, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर जो अल्टरनेट है, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बहुत कम समय के लिए देखने को मिलेगा पार्शली, और डिपेंड करेगा, यानी कि दूसरी बात जो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, एक सेकेंड, ये सब तो गैमेटोफाइट के लिए हो गया ना, सेकेंड,
गैमिटोफाइट यहाँ लिख दिया, ठीक है। और अब ये बनाएगा गैमिट, ये बनाएगा गैमिट। अब ये हैप्लॉइड है, ये बनाएगा, फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। फिर स्पोरोफाइट बनेगा, सेम साइकिल चल रही है। और फिर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड होंगे ये, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा, जाइगोट डिप्लॉइड होगा, यहाँ माइटोसिस हुआ होगा, सॉरी यहाँ फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइटोसिस हुआ होगा। तो बोल क्या रहा है कि इस वाली फेस पर ध्यान दो, या हमारा ध्यान किस तरफ ले जाना चाह रहा है, इन दो चीज़ों पर फोकस करो कि अब क्या होगा, एल्गी से किस तरह से अलग है ये, क्योंकि यहाँ पर भी मेन मेन तो यहाँ पर भी मेन कौन है, यहाँ पर भी मेन तो गैमिटोफाइट ही है, गैमिटोफाइट ही मेन है, लेकिन अलग कैसे है ये एल्गीज से, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ हमने ये नहीं पढ़ा था कि स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमिटोफाइट पर, नहीं, यहाँ गैमिटोफाइट इंडिपेंडेंट ज़रूर है जैसा एल्गी में था, लेकिन लेकिन स्पोरोफाइट पार्शली, ठीक है, टोटली या पार्शली डिपेंड करता है, ये आपको ज़रूर लिखना है ब्रायोफाइट के केस में, पार्शली या टोटली डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है, गैमिटोफाइट पर। तो कंप्लीटली किसके लिए डिपेंड करता है, फॉर सपोर्ट, फॉर एनकरेज एंड न्यूट्रिशन, फॉर एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। तो ये कहानी रही किसकी, ये बात रही स्पोरोफाइट की, ठीक है। तो ये बताओगे आप स्पोरोफाइट के बारे में, और इसमें एग्जाम्पल अगर पूछे तो एग्जाम्पल क्या आएंगे इसमें, ब्रायो, ब्रायोफाइट इज एग्जाम्पल, वेरी गुड, ब्रायोफाइट इज एग्जाम्पल। तो पहला हैप्लोडिप्लोंटिक समझा, नेक्स्ट थिंग इज अब शिफ्ट होगा, देखो किस तरह से यहाँ पर दोनों ही अपना थोड़ा थोड़ा एग्जिस्टेंस शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये डिपेंडेंट होने लगा है स्पोरोफाइट और वो इंडिपेंडेंट है, वहीं एल्गी में अगर देखो तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ज़रूर नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन मेन फेज जो है, मेन डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, गैमिटोफाइट होता है। सेकेंड बात हैप्लोडिप्लोंटिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड चीज़ जो हम हैप्लोडिप्लोंटिक में पढ़ते हैं वो ये कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, अगेन ध्यान से देखना, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अब क्या होगा देखना, ये भी हैप्लोडिप्लोंटिक में ही आ रहा है, तो इज द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट शिफ्ट, देखा आपने इंडिपेंडेंट अब कौन है, स्पोरोफाइट या गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, वेरी गुड। तो अब चेंज होगा यहां से, इसीलिए ट्रांजिशन फेज बोलते हैं हम किसको, इसलिए ट्रांजिशन फेज बोलते हैं टेरिडोफाइट को, क्योंकि टेरिडोफाइट के बाद चीजें बदलना शुरू होती है, ये सब किस में देखने को मिलेगा, अब जो सेकंड पॉइंट में बता रहा हूं ये सब देखने को मिलेगा टेरिडोफाइट में, ठीक है। तो डिप्लॉइड, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और क्या लिखोगे, वेस्कुलर प्लांट बॉडी किसकी होगी, तो प्लांट बॉडी किसकी होगी,
वेस्कुलर प्लांट बॉडी किसकी होगी? हाँ, किसकी होगी? स्पोरोफाइट की होगी, ठीक है, स्पोरोफाइट की होगी। तो इट ऑल्टरनेट्स, ठीक है, इट ऑल्टरनेट्स सेप्रो, ये फोटोसिंथेसिस यही करेगा और यही इंडिपेंडेंट है, बट ज़्यादा समय के लिए नहीं, शॉर्ट लिव्ड है ये, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पूरा छत्र राज इसका ही है, तो शॉर्ट लिव्ड है ये, इंडिपेंडेंट ज़रूर है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। तो इसको आप इससे मिक्स नहीं कर सकते, जो मैंने डिप्लॉन्टिक में बोला था, ये क्या कंप्लीटली डिप्लॉन्टिक है क्या? डिप्लॉन्टिक तो नहीं बोल सकते इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा ज़्यादातर फेज जो है प्लांट का वो किस में चला था, ज़्यादातर प्लांट का जो फेज है वो किस में चला था? स्पोरोफाइट में चला था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज़ शॉर्ट लिव, बहुत कम समय के लिए, क्यों? क्योंकि फिर ये स्पोर बना देगा, स्पोरोफाइट क्या बना देगा? स्पोर बना देगा, ठीक है, ये स्पोर्स बन जाएंगे, फिर वही कहानी दोबारा शुरू, ठीक है, वही कहानी दोबारा शुरू, फिर यहाँ ये क्या बनेगा, बोलते जाओ आप, क्या बनेगा, बोलो भाई, स्पोर्स, उसके बाद गैमेटोफाइट, उसके बाद गैमीट, फिर फ्यूजन, जाइगोट, और फिर से क्या बनेगा यहाँ? स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके एग्जांपल कई बार नीट में भी देखे गए हैं, ध्यान देना, ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड हो गया, यहाँ क्या चला होगा? मियोसिस, यहाँ क्या चलेगा? माइटोसिस, यहाँ क्या चलेगा? माइटोसिस, यहाँ क्या चलेगा? फर्टिलाइजेशन, और यहाँ माइटोसिस, गुड। और ये एग्जांपल अगर पूछे तो एग्जांपल में आप बताओगे कि सारे टेरिडोफाइट्स किस में आते हैं? हैप्लो डिप्लॉन्टिक में आते हैं, तो सारे टेरिडोफाइट्स, सब टेरिडोफाइट्स को हम किस में कंसीडर करते हैं? टेरिडोफाइट्स को हम कंसीडर करते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक में, ठीक है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक में कंसीडर करते हैं। और साथ में ये भी लिखना, सम एल्गीज ऑल्सो, कुछ एल्गीज ऐसे भी होते हैं, कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं, ये थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है, ठीक है, कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो आप, याद रखना, हम पढ़ते हैं यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, राइट, यूकेलिप्टस और पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, यूकेलिप्टस और पॉलीसिफोनिया, तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। क्या आपको तीनों बातें समझ में आ गई आसानी से? बोलो, क्लियर है? हमने तीन बातें डिस्कस की है यहाँ पर, ध्यान देना, वी डिस्कस्ड अबाउट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर आपसे पूछे ट्रू हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में चलती है, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक्चुअली हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किधर चल रही है? ना 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 ना, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में आप बोलोगे हैप्लो, मिड में आया ना, जो मिड में आया वो हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है, तो बीच में तीन नंबर आएगा तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक। हाँ, ब्रायोफाइट की भी हम पढ़ते हैप्लो डिप्लॉन्टिक में ही है, लेकिन जब एग्जांपल आएगा आपको, ध्यान रखना, तो आप इसमें हम बोलते हैं ना कि ये एक ट्रांजिशन हो रहा है टूवर्ड्स द हैप्लो डिप्लॉन्टिक, लेकिन कंप्लीटली जो शो कर रहे हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक वो कौन शो कर रहे हैं? टेरिडोफाइट्स, ठीक है, ये बात है, समझ आया? इज इट क्लियर टू ऑल?
ओके, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी आपको मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, द चैप्टर इज प्लांट किंगडम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राधे राधे।